IBS इतना जल्दी ठीक क्यों नहीं होता? आप लोग घबरा जाते हैं कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कब होऊंगा, कैसे होऊंगा। तो ये सारे डाउट मैं आपको आज क्लियर करने जा रहा हूं, और ये भी साथ में बताऊंगा कि इतना देर हमें क्यों हो जाता है कि हम ठीक नहीं हो पाते। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा और ख़ास होने वाला है, तो लास्ट तक देखिए तो पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें उससे पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार IBS से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, IBS की बीमारी 10% लाइफ स्टाइल और खान पान की वजह से होती है, लेकिन 90% ये बीमारी हमारे गलत तरीके से जिम करने और खाली पेट वजन उठाने से आती है। इसमें होता क्या है कि जब हमारी नाभि नीचे की तरफ खिसक जाती है तब हमें तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि डायरिया हो जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब नाभि ऊपर की तरफ खिसकती है तब हमें पता नहीं चलता, फिर हमें एसिडिटी और पेट में इरिटेशन शुरू हो जाता है, फिर हम गैस एसिडिटी की गोलियां लेना शुरू करते हैं मेडिकल स्टोर से। जब कोई आराम नहीं आता तब हम बड़े डॉक्टर को यानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। यहाँ पर लगभग 6 महीने या साल भर भी निकल जाता है। तब तक लगभग ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब हो चुका होता है, फिर आपको पता चलता है कि आपको IBS हो गया है। फिर आप आयुर्वेद की दवाई करवाते हैं, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आप होम्योपैथी में भी दिखाते हैं। जब कहीं पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता तब आप YouTube पर IBS सर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर आप एलोपैथी के कई डॉक्टरों के वीडियो देखते हैं, देखते देखते कहीं से आपको न्यूरोथेरेपी का वीडियो दिखाई देता है, और जब आपको उसके लक्षण सेम दिखाई देते हैं तभी आप न्यूरोथेरेपी वाले डॉक्टर से संपर्क करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचते साल, 2 साल, 5 साल, कभी कभी 10 साल भी निकल जाता है। दुर्भाग्यवश यहाँ पर पहुँचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, यानी कि आंतों में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और सूजन होने के बाद नाभि अपनी जगह पर मतलब टिक जाती है, वहाँ पे एक फिक्स हो जाती है, आपके नाभि के 1 इंच के ऊपर वो धड़कना शुरू कर देती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद आपकी नाभि अपनी जगह पर नहीं आती है, इसलिए न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले आंतों की सूजन को ठीक करने के साथ लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों को एक्टिव करना पड़ता है। इतना ज़्यादा समय निकलने के बाद पेशेंट को नले भी पड़ जाते हैं, फिर आंतों में ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं रहता और पेशेंट को UDF आता रहता है, यानी कि अनपचा खाना उसके टॉयलेट से निकलना शुरू हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है। इस बीमारी में शुरुआत में बहुत भूख लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो भूख है वो लगना बंद हो जाती है, आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी। सो न्यूरोथेरेपी में आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई बहुत ज़्यादा आपको धीरज रखना पड़ेगा। आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में नले आपके न्यूरोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए योगा के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 100% ठीक होंगे। और जब आपको लगे कि अब मेरा जो इरिटेशन है आपका दिमाग पेट पे नहीं रहता है, अब बिल्कुल आप माइंड फ्री हो गए, यानी कि आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम हो गई, नाभि अपनी जगह पर आ गई, फिर भी 6 महीने तक आपको खान पान में थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि YouTube पर दोस्तों बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको दवाई के नाम पर लूटते हैं। बहुत लोग डाइट बता देंगे आपको, बोल देंगे ये चूर्ण आपको मैं दे दूंगा आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों से आप लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि आपकी इतनी सालों की पुरानी जो बीमारी है वो किसी चूर्ण या किसी डाइट या किसी सोने वाली दवाई या डिप्रेशन की दवाई से ठीक होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसको आप न्यूरोथेरेपी में आप ठीक कर सकते हैं। जिस भी शहर में हो वहाँ पे अगर न्यूरोथेरेपी सेंटर है तो वहाँ पे दिखा लें, या फिर हमारे पास आना चाहें तो आप हमसे संपर्क जरूर कर लें। हमारा सेंटर सूरत, गुजरात में है, ठीक है। दोस्तों, धन्यवाद।